हेलो इंडिया, प्यारे देशवासियों को मेरा अभिनंदन। मेरा नाम डॉक्टर कुमार पुनीत गोयल है और हमारे यूट्यूब चैनल ए टू जेड करेस में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेके आऊँ 9 दिसंबर की करंट अफेयर्स की क्विज। जितनी भी आज के दिन घटनाएं हुई हैं उन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चुन के हम आपको देते हैं और जल्दी हम नवंबर की 100 क्वेश्चन की वीडियो भी डाल देंगे, जिसमें 50-50 क्वेश्चन की दो वीडियो होंगी ताकि आप नवंबर के क्वेश्चन रिवाइज कर सकें। ये हमारी 133rd क्विज है और जैसा कि आपको पता है हम हमेशा पढ़ते हैं आपसे भूतों तो जाने का प्रश्न। कल हमने आपसे पूछा था IEEE द्वारा पुरुष और महिला विश्व एथलीटों के रूप में किसे नामित किया गया। ये है केन्या की लंबी दूरी के धावक एल्यूट किपचॉग और कोलंबियाई लंबी दूरी की धावक ट्रिपल जंपर कैटरीन ग्लाबा ग्रुवेन। इन दोनों को पुरुष और महिला विश्व एथलीट के रूप में चुना गया। इस वीडियो की PDF भी आपको मिल जाएगी, डाउनलोड करके ये सारे क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आज की क्विज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हिंदी में द रिपब्लिकन एथिक लोकतंत्र के स्वर नामक एक भाषणों का संकलन जारी किया गया है और ये किसके भाषण है। ये भाषण है हमारे प्रेजेंट टाइम के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द रिपब्लिकन एथिक। उन्होंने जुलाई 2017 से जुलाई 2018 के बीच जितने भाषण दिए जो इंपॉर्टेंट भाषण है उनके हिस्से इसमें संकलित किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ILO रिपोर्ट के अनुसार पुरुषों की तुलना में महिलाओं को भारत में मजदूरी का कितना प्रतिशत कम भुगतान किया जाता है। पुरुषों को ज्यादा पैसा मिलता है, महिलाओं को कम मिलता है, ये बात कही है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने। पुरुषों की तुलना में भारत में जो मजदूरी मिलती है महिलाओं को 34% कम मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक ने कहां से समुद्र में क्लीन सी 2018 नामक अक्षेत्रीय स्तर समुद्री तेल प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास का आयोजन किया। समुद्र में जो तेल का प्रदूषण होता है उसके लिए क्लीन सी 2018 अभ्यास शुरू किया गया पोर्ट ब्लेयर से। अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर और पोर्ट ब्लेयर में लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उनका नाम है एडमिरल DK जोशी। नेवी में एडमिरल रहे DK जोशी, प्रेजेंट टाइम में लेफ्टिनेंट गवर्नर है अंडमान निकोबार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में टिकाऊ खेती के लिए प्रोजेक्ट स्मार्ट को विश्व बैंक सहायता देगा। प्रोजेक्ट स्मार्ट टिकाऊ खेती के लिए महाराष्ट्र में शुरू किया जा रहा है और महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम के CM है देवेंद्र फडणवीस और प्रेजेंट टाइम के जो गवर्नर हैं वो CV राव। जब भी किसी स्टेट का नाम आए तो आप उसकी कैपिटल CM और गवर्नर को जरूर रिवाइज कर लिया करें। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। इबोला प्रकोप से लगभग 1,00,000 लोग इससे प्रभावित है, कई लोग इसमें मर गए हैं। कहां पे दूसरी बार प्रकोप फैला, कांगो में। 1,00,000 से अधिक निवासियों द्वारा घातक हीमोराजिक नामक का बुखार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से निपटने के लिए एक नया ढांचा लॉन्च किया है। ये लॉन्च किया UNO ने, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने। यूनाइटेड नेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। प्रेजेंट टाइम में इसके सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र UNO के अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नामांकित किया गया। अगर आपको ध्यान हो हाल ही में निक्की हेली ने इस पद से इस्तीफा देने की घोषणा की थी और उन्होंने कहा था कि वो शायद 2022 के चुनाव लड़ेंगे। तो जो प्रेजेंट टाइम में अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने हीथर नाउल्ट को नया अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया संयुक्त राष्ट्र संघ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष मानने के भारत के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस वर्ष को FAO बाजरा वर्ष मानेगा 2023 में। ये घोषणा की हमारे प्रेजेंट टाइम के कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने। रोम में FAO की 160वें सत्र में वो हिस्सा लेने के लिए गए और 2023 को बाजरा वर्ष माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने चंद्रमा के बहुत दूरस्थ स्थान पर अंतरिक्ष यान पहली बार लॉन्च करने की घोषणा किया। चांग ई फोर का नाम ये यान उतारा जाएगा चंद्रमा के ऐसे स्थान पर। यह चंद्रमा का स्थान कभी भी पृथ्वी की तरफ नहीं आया है और गुरुत्वाकर्षण के कारण वहां यान उतारना बड़ा मुश्किल होता है और चाइना चांग E4 नाम का यह यान चंद्रमा पर उतारेगा। जो हिस्सा चंद्रमा का दिखता नहीं है उस ओर इस यान को उतारा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने AI4 ऑल ग्लोबल हैकथॉन का आयोजन किया। AI4 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक हैकथॉन है जिसमें आपको कुछ रोबोट्स बनाने हैं। हैकथॉन आयोजित किया जाता है, ये कौन सी संस्था आयोजित करे, ये करिए नीति आयोग। नीति आयोग के बारे में आपको कुछ पॉइंट और पता होने चाहिए। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी योजना आयोग के बदले में। इससे पहले 12वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी, उसी समय 2015 में इसको बनाया गया था नीति आयोग को।
नीति आयोग का हेड ऑफिस नई दिल्ली में है। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 पर कंटेनर कृत कार्गो के लिए एक नया स्थल चुना गया। सबसे पहले आपको ध्यान होगा, कोलकाता हल्दिया से वाराणसी के लिए एक कंटेनर चला गया था, अब एक नया स्थान इसमें जोड़ा गया है, पटना। कोलकाता से पटना के लिए भी कंटेनर चलेंगे, पानी से गंगा के बीच से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक परिवहन मुक्त करने वाला दुनिया का पहला देश 2020 से कौन सा बन जाएगा। अभी तक युवाओं के लिए बिल्कुल सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट फ्री है, आप ट्रेन से जाएं, बस से जाएं, फ्री होता है। 2020 से सभी लोगों के लिए ट्रांसपोर्ट फ्री कर दिया जाएगा, क्योंकि वहां पे ट्रांसपोर्टेशन की समस्या बढ़ती जा रही है। और ये लग्जमबर्ग में फ्री बस चलाई जाएंगी। आपको कहीं भी आना जाना है तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, अपने ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ना करें। इस इनिशिएटिव को बढ़ाने के लिए बिल्कुल फ्री ट्रांसपोर्ट कर दिया लग्जमबर्ग की सरकार ने, और ये 2020 से पूरा चल जाएगा। और आज का बुझो तो जाने का प्रश्न है, निर्यात आयात बैंक ऑफ इंडिया, एक्जिम बैंक जिसे बोलते हैं, इसने किस देश में जल आपूर्ति के लिए 500 मिलियन डॉलर की क्रेडिट सुविधा बढ़ा दिया, यानी कि 500 मिलियन का क्रेडिट एक्स्ट्रा बढ़ाया है। आप इसका आंसर लिख भेजें बुझो तो जाने में। अगर आप इसका आंसर लिख भेजते हैं तो हम आपका नाम अगली क्विज में जरूर लेंगे। अगर आपने मेरे चैनल ए टू जेड करियर को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत इसे सब्सक्राइब कर दें, बेल वाला आइकन भी दबा दें, ताकि मेरी वीडियो का नया नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। ए टू जेड करियर इज ऑलवेज विद यू। गॉड ब्लेस यू। ऑल द सक्सेस इन योर लाइफ, व्हाट एवर यू वांट टू बी। माय नेम इज डॉक्टर कुमार नीतगोयल। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। आई विल ट्राई टू गिव यू सम सॉल्यूशन। यू कैन राइट योर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू स्टडी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।